अकोला 24 न्यूज़ में मैं नेहा शेखअप का स्वागत करती हूँ। आरोग्य उपसंचालक कार्यालय के समीप बड़ी मात्रा में कचरा जमने से नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की नज़रअंदाजी नागरिकों को खतरे में डाल रही है। संबंधितों से इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग उठ रही है। अकोला शहर के जिला महिला अस्पताल के पिछले परिसर में स्वास्थ्य उपसंचालक इनका कार्यालय है। इस कार्यालय के परिसर में अब नागरिकों के स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस कार्यालय के बाजू से ही कोरोना टीकाकरण केंद्र भी है। यहां पर रोज कई नागरिक कार्यालय कामकाज तथा टीकाकरण के लिए आते हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य को धोखे में डालकर जाते हैं। इस जैव वैद्यकीय कचरे के ढेर के सामने स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार है। इतना ही नहीं, आसपास से जैव वैद्यकीय घान कचरा लाकर खुलेआम किधर भी फेंका जाता है। इस मार्ग पर स्वास्थ्य उपसंचालक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व डॉक्टरों का रोज आना जाना रहता है, किंतु कोई भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देने को तैयार है। इस प्रकार की चर्चाएं नागरिक कर रहे हैं। अकोला 24 न्यूज के लिए राजेश अमृतकर की रिपोर्ट। अल शहा फ्रेग्रेंसेस, न्यू ताज महल, अतर एंड परफ्यूम, होलसेल एंड रिटेल, सभी प्रकार के अतर, परफ्यूम, जाय नमाज, तस्बीह, बर्गोटी की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध। तो एक बार जरूर आए, लारी गली, मोहम्मद अली चौक, अकोला।